और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे कर ये 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर भारत के कई जगहों पर आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार के मोतिहारी में बीजेपी के 9 साल पूरे होने को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहुंचे, जहां सम्राट चौधरी ने विपक्षी दल पर जमकर वार किया। दरअसल सम्राट चौधरी ने कहा कि सबको प्रधानमंत्री बनना है, देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं उनका सपना है कि 3-3 महीनों के लिए पीएम बन जाएं। देखिए, सबको प्रधानमंत्री बनना है, अरे माइक नीचे, और ये लोग, अरे इतना लंबा होने के बाद भी माइक ऊपर कर रहे हो। देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं सबको प्रधानमंत्री बनना है, और ये लोग सपना देख रहे हैं जी थोड़ा नीचे कर, कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बना। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम। देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं, उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल है, और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा, सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया सारे सेक्टर में। आपको बता दें, विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होने वाली है, और इस बैठक को लेकर तमाम बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी बार बार कह रही है कि इस बैठक से कुछ होने जाने वाला नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार दम भर रही है कि हम विपक्ष को एकजुट करेंगे और 2024 में पूरा विपक्ष एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा। वहीं सीएम नीतीश कुमार विपक्षी बैठक से ठीक 3 दिन पहले यानी 20 जून को तमिलनाडु के सीएम से मिलने पहुंचेंगे। नीतीश कुमार वहां एमके स्टालिन से मुलाकात करेंगे और उन्हें बीजेपी विरोधी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेंगे।